हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो सी प्लस प्लस की है। इसमें हम एरे से शुरू करके फंक्शन तक ये प्रोग्राम मैंने लिखा है। अब एरे में चीज़ों को स्टोर कराने का एक तरीका ये भी हो सकता है, जिसे मैंने आपको पहले बताया है, और फिर हम आगे यहाँ पर इसी एरे के अंदर फंक्शन को भी यूज हमने किया है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और फिर हमने प्रिंट करवाया है, तो अभी हम इसका रिजल्ट देखेंगे। यहाँ पे बैकस्लैश एल लगाया है लाइन चेंज करने के लिए। तो अभी हम क्या करेंगे, बिल्ड पे जाके इसको कंपाइल करवाएंगे। अगर कोई एरर नहीं है प्रोग्राम में तो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया प्रोग्राम हमारा, और फिर यहाँ से बिल्ड पे जाके एक बार रन करवा लेते हैं। तो जैसे ही रन करवाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो जो हमने एरे के अंदर ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो जो चीजें दी हैं वही वही चीजें प्रिंट होकर आई हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50 और फिर 5, 15 इस तरीके से चीजें दी गई हैं, और यही चीजें भी प्रिंट होकर आई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर वही वही चीजें प्रिंट होकर आई हैं। तो आई होप की बात समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।